Ah, shit. Here we go again. हाँ मैं वापस आ गया, लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए और इसके अलावा एक और वीडियो के लिए। उसके अलावा मैं नहीं आने वाला, शॉर्ट्स के अंदर फिर भी बना सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो भाई आज से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ताज़ा खबर के ऊपर, जिसका रिव्यू ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। उसके अंदर भाई मैंने बोला था कि मेरे बोर्ड्स वगैरह जो कि अभी भी हैं उनके लिए भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मार्च तक कोई भी वीडियो नहीं आ पाएगी। मैंने बात करी थी रिव्यू की, मूवी रिव्यू की एंड सीरीज रिव्यू की ऑब्वियसली, लेकिन भाई ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था। इसके ऊपर भाई मैं वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि भाई ट्रेलर का क्या है, 2 मिनट में देखा बना दिया, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया। तो भाई अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आखिर भाई ट्रेलर कैसा था। तो भाई पठान का ट्रेलर वैसा ही था जैसा मैंने भाई एक्सपेक्ट करा था। ये भाई मतलब काफ़ी हद तक एंटीसिपेशन बिल्ड करता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे एडिट करा गया है। इसके अंदर के जो वीएफएक्स शॉट है जो कि भाई आज से 2 महीने पहले जब हमने देखे थे तो थोड़े बहुत मतलब रेंडरिंग के अंदर दिक्कत लग रही थी और थोड़े बहुत मतलब फेकिस से लग रहे थे, उसे इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। एंड आई वॉन्ट टू कोट कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर उस चीज़ को ठीक कर लिया है। बाकी भाई किसी मूवी ने 6 महीने का टाइम लिया, देखते क्या करते हैं वो। हाँ हो सकता है अवतार 2 बना दे, आखिर भाई डायरेक्टर ने बोला है, देखते। हाँ तो उस सारी चीज़ों को साइड करते भाई बात करते इस मूवी के ट्रेलर की, जिसके लिए भाई अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो चुका हूँ कि भाई मेरे को पठान देखनी है। बट जैसा कि हम जानते हैं बोर्ड भाई इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। हाँ ये पोस्टपोन नहीं हो सकते क्या? एटलीस्ट पठान वगैरह देख के उसका रिव्यू तो कर लूँ, देखूँगा अगर आगे चल के टिकी रही तो भाई जाके देख लूँगा बाद में। रिव्यू तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा, बट खुद की इन्जॉयमेंट नाम की तो कोई चीज़ होती है। लेकिन हाँ मैं तो भाई तुमसे कहना चाहूँगा कि मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। एंड भाई इसके अलावा अगर भाई मैं बात करूँ भाई मूवी के अंदर की किसी भी नेगेटिव पॉइंट की, तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्शन फास्ट आ रहा है और एक्शन सेट पीसेस भी मतलब काफ़ी सारे हैं। अगर मैं प्रिसाइज होकर बोलूँ तो भाई कम से कम 7 से 8 हैं, एंड वो भी जो हमें ट्रेलर के अंदर दिखाना हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। बट वो ये कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये एक तो शॉर्ट हो, ठीक है, छोटे छोटे एक्शन सीक्वेंस का कोई भी मतलब नहीं मिलता, और दूसरे नंबर पे इनके बीच की कंटिन्यूएशन हो। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से उधर पहुँच गए उधर से इधर पहुँच गए और 3-3 सीक्वेंस को एक साथ मिला दिया, जो कि मुझे हाई चांसेस है कि होगा। बट ओवरऑल भाई ट्रेलर अच्छा था, इंजॉयबल था, काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्स को यूज़ कर रहा था। एंड भाई यही था इसका रिव्यू। टिल देन गुड बाय, सी यू, बाय।